भाई अब चलते चलते हमारी टीम भी बढ़ गई अब। खा रहे देख पता लागो इधर भाई हथियार तेज हो रहा है। देखो भाई धर्म का कुत्ता भी आओ शेरू। ओए शेरू जितने भी खाने की सामग्री है वो इस गिले में रखी है। ओए कमल दादे धन्यवाद। यहाँ पे बड़े लग रहे बाढ़ में हथियार। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। हिमाचल के इन खूबसूरत पहाड़ों में भाई आज मैं आपको शेयर कराता हूँ हिमाचल के पहाड़ों की। तो बस निकल रहे हैं यहाँ से, टाइम 8:30 हुए अभी। हमारे गांव का मौसम भाई आज कुछ ऐसा बना हुआ है, हल्की सी धूप आई है सामने। हमारे पहाड़ों में सूर्योदय हो चुका है और धूप भी आ गई है इधर उधर पहाड़ों में। मैं और मेरा भाई भी धूप का आनंद लेते हुए हम भी जा रहे हैं जरा पहाड़ों में चढ़ते हुए आगे। देखो भाई हमारे पहाड़ों के जो रास्ते होते हैं ना वो ऐसे होते हैं, देख रहे हो कितने संकरे संकरे उधर से जा रहा है रास्ता, और ऊपर से देखो कहाँ से ये खड़ी चढ़ाई पे यहाँ पे रास्ता बनाए। फिर यहाँ पे इधर पीने का पानी भी है, देखो कैसे बह रहा है यहाँ पे, अंदर से आ रहा है कहीं से। वाह जी वाह। तो ये देखो जी भाई सामने जो ये घर है ना बने हुए छप्पर वाले, ये कितने मस्त लग रहे हैं। हमारे गांव के घर है, ये डोगरी बोलते हैं यहाँ, दोची वाले घर है ये। तो ये गांव से थोड़ी सी दूरी पे है, तो देख लो ये घर यहाँ पे और गांव हमारा नीचे जाके। तो साथ में देख लो भाई यहाँ पे एक टैंक भी है बना हुआ, पर थोड़ा सा ये खाली जैसा ही है, हो सकता है भर जाएगा। और आगे थोड़ी सी आगे सिंचाई चल रही है। वाह जी वाह। भाई साहब मिल गए पत्ते लेके आ गए। भाई जी हाँ कड़ी मिली पाचो ना, ये तो पुरानी है यार, पुराने पत्ते है, मेरे को लगा नए पत्ते ये। तो यार भाई पहाड़ों की यात्रा करते करते ना यहाँ पहुँच गए मैं और मेरा भाई फोन पे बिजी है तब से लेकर। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो सामने ये घासीन है और आजकल लोग घास काट रहे हैं घासीन में, देख रहे हैं आप। तो हिमाचल के पहाड़ों में ना ये सीजन चला हुआ है आजकल घास काटने का। तो भाई अब चलते चलते हमारी टीम भी बढ़ गई अब इतने सारे बंदे एक स्पेशल काम करने जा रहे हैं, वो काम में अभी आपको आगे बताऊंगा मैं कि हम किस काम से जा रहे हैं। ये आए भाई यहाँ पे पानी पीने की जगह, अब यहाँ पे देखो जरा ठंडा पानी कहाँ मिलेगा। अरे अरे को डरे पाने के बे, अच्छा अरे वो भाई को डरे बे कुछ चल रहा है, पानी के बर्तन यहाँ रखे हुए खा लिए तो अंदर है पानी तो है लेकिन ये काफी गहरा है, नीचे यहाँ से निकालना मुश्किल है। अरे तो कौन मिल पानी, अच्छा अच्छा ठीक, यहाँ से पानी निकालना मुश्किल है तो पानी आगे ही मिलेगा। अब देखो जरा कहाँ मिलेगा। अब लहसुन का खेत देखो भाई कितना मस्त है ना, बढ़िया चल रही है फसल। ये मिला जी पानी अब यहाँ पीने के लिए, आप पी लो ठंडा ठंडा पानी। यहाँ पे चल रहा है भाई काम बढ़िया। हाँ जी सुनील दादा राम राम। खा रहे देख बहुत अलग हो। जी वाह सब्जी तैयार हो रही भाई, बढ़िया बढ़िया। अरे तो कपड़े इतने वाले जीशो गए ठीक यार। तो भाई देखो यहाँ पे अब खाना पक रहा है, और अब ये बहुत लोगों के लिए खाना पक रहा है यहाँ पे ना, कहती है चुनी होनी रे लगभग पूरा जाप चाल पता। अच्छा कब तो बुढ़ी है इधर भाई हथियार तेज हो रहा है, तैयारी पे अब नाना अब तकड़ी तैयारी पे। तो देखो भाई ये पहाड़ों में इस तरह से हम लोग यहाँ रहते हैं, और ये पता क्या है ये हमारे गांव से दूर ना डोगरी है ये, और यहाँ पे लोग रहते हैं हमारे गांव के लोग रहते हैं यहाँ पे। देखो कितना कितना मस्त एरिया ये, और सामने देखो खेत कितने मस्त लग रहे हैं। और धर्म क्या हाल है सर। देखो भाई धर्म का कुत्ता भी आओ शेरू। ओए शेरू भी साथ आया है। देखो भाई ये जो सामने बना हुआ है ना ये घास वगैरह रखना हो ना बारिश से बचने के लिए, उसके लिए बना रखा है ये घास का ना ऊपर से, ये इसके नीचे आराम से घास वगैरह रह सकता है, बारिश से बच सकता है बिगड़ने से। तो राजेश भी पहुंच गया भाई, और राजेश पहुंच गया आप भी, बढ़िया बढ़िया ठीक यार बात सर वार तुकुती। तो भाई सीन ऐसा है कि इतने बंदे जो यहाँ पे आ रहे ना ये गाँव से आ रहे, तो ये जो पीछे घर है ना बना हुआ ये डोगरी है ये, और इस डोगरी के मालिक है ये जो पीछे टोपी वाले ना सुनील दादा जो खाना बना रहे, तो
तो इनका पता क्या है ना, इनका घास काटने का काम है आज। तो गांव के काफ़ी सारे बंदे ना, इन्होंने अपने यहाँ बुला रखे आज घास काटने के लिए। तो बस सारे बंदे वहीं जा रहे अभी, तो यहाँ पे खाना बन रहा है अभी दोपहर का, और हम लोग अभी आगे जाएंगे। वहाँ पे कुछ लोग और भी होंगे आए हुए, तो देखो जरा अभी आगे कितने लोग मिलेंगे हमारे को जो घास काट रहे हैं। तो चलते फिर आगे। तो ये देखो भाई, सामने भी हमारे गांव के ये डोगरी है जहाँ पे लोग रहते हैं, और सामने खेत भी है बड़े सुंदर से। अब हम सारे बंदे वहीं जा रहे हैं जहाँ पे घास कटिंग चल रही है। तो फाइनली भाई अब हम लोग ना साइड पे पहुँच गए जहाँ पे घास काटना है हमारे को। ये घास ने सामने जो लोग लगे हैं ना सामने, ये सामने चलो नाने, ओ चलो फिर चलो नमस्ते, पहुंची गई है। ये घास ढो के वापस आ गए भाई, पार से हमारे दो बंदे भी आ गए। तो यार भाई हमारे दो बंदे भी पहुंच गए, अब रेस्ट कर रहे थोड़ा सा। शेरू भी आ गया साथ में। हाँ जी धर्म जी। अब भाई हमारी टीम झूमते हुए, तो भाई जो टीम है बड़ी खुश है, क्योंकि भाई अब इतना दूर बंदे पहुंचे हुए। तो भाई 10:30 हुए, अभी 8:30 बजे चले थे हम घर से। तो देखो भाई घासिन में लोग पहुंचे हुए हमारे से पहले यहाँ पे, हमारे गांव के लोग। ओए कमल दादे, अम्बेला अम्बेला बाउड़ी के बाउड़ी के, वे तू ही बाउड़ रहे यार, तू पास में बाउड़न बाउड़न लगे। तो चलो भाई यहाँ पे काम ना बढ़िया से। बंदा अपने काम में शुरू हो गया, एक बंदा इधर से आ गया। दोपहर का 1 बज गया है भाई, अब लंच ब्रेक हो गया, और जितने भी घसा रहे हैं सब जा रहे हैं अब लंच के लिए। वो सामने से जा रहे बंदे, अब सारे के सारे बंदे वहाँ लंच करेंगे सामने चोटी पे बैठ के। अरे घास नहीं आता तो भूखे रहे। जितने भी खाने की सामग्री है वो इस गिल्ले में रखी है, किल्टे में रखी है। लंच करने के बाद भाई आपको ना एक बहुत ज़बरदस्त सुंदर गांव दिखाता हूँ मैं, बिल्कुल मेरे सिर के सामने है, अभी दिख नहीं रहा होगा, मैं जूम करके दिखाता हूँ। तो ये देखो भाई गांव सामने पहाड़ों में, कितना मस्त गांव है ना। ये थोड़ी धुंध सी आई हुई इसलिए दिख नहीं रहा है बढ़िया। ये लो जी कितना मस्त है, साथ में ज़मीन भी कितनी सुंदर है, ऊपर पहाड़ है पूरा, और नीचे की तरफ बिल्कुल खड़े पहाड़ जंगल सा भी है। पूरे ये एरिया पहाड़ों से घिरा हुआ है भाई, ये मस्त एरिया एकदम, पड़ोसी एरिया है हमारे गाँव का ना, पड़ोसी गांव। नीचे की तरफ कितना मस्त है। घास काटने वाली टीम भाई फिर से घास काटने के लिए हो गई अब तैयार। कुछ बंदे अभी भी रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ लोग अब बिल्कुल अपनी तैयारी पे हथियार करे अपने तेज, वहीं चलते हैं इनके पास। यहाँ पे हथियार बढ़िया हो रहे तेज, यहाँ पे बढ़िया लग रहे बाढ़ में हथियार। अबे एक बंदा तो भाई घास काटने में लग भी गया, अब बाकी लोग उतर रहे नीचे पार से। तो यार भाई सामने बकरियों ने पूरा खेत खा लिया मटर का, ओहो मटर खा लिए सारे के सारे, मोटर पाए तो चौका है। भाई शाम के 5:30 हो गए, अब सारे जितने भी घास काटने वाली टीम है अब साइड पे आ गई, और अब घर की तैयारी है सबकी। सर बोला घुरा सर गए भाई, वो ध्यान गए यहाँ से घर के लिए लगभग हमारा 1 घंटा लग जाएगा। देखो भाई शाम का मौसम ना यहाँ पे कैसा हो गया है, सनसेट के बाद शाम बिल्कुल हो गई ठंडी एकदम। तो ये जो सामने वाला एरिया है ना, यहाँ पे अभी हमने घास काटा इस साइड से पूरा उतार के नीचे तक। तो भाई ये शेरू भी पूरे दिन भर ना हमारे साथ था, इसने भी हमारा पूरा साथ दिया। वो शेरू ओए चल रहे भाई, अरे वो शेरू चल घुरा जाऊंगे भाई, इसका ध्यान ही नहीं, इधर इसका ध्यान तो नीचे है, कहाँ जा रहा है बंदा। चल 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 बेटे।